हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अभी तक हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। आज जो हमारी 6 क्लास है, लेक्चर 6 है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप पहले आप उन्हें जा करके देख लो, वन बाय वन, एक एक करके। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासेस का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, हमने जो है 12th क्लास का अब सीरीज चलाई है, जिसके अंदर हम 12th का कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारे पास सपोज करो एक चार्ज है। अब ये चार्ज जो है, अगर मैं एक दूसरा चार्ज लेकर के आऊँ यहाँ पर, तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। सपोज करो मैं एक यहाँ पर एक चार्ज लिया है क्यू नोट। अब मैं जो चार्ज लेकर के आ रहा हूँ, ये टेस्ट करने के लिए लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, टेस्ट चार्ज। अब क्या हुआ, इस एक एरिया था, इस एरिया में अगर मैं इस चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और अगर इस एरिया के बाहर लेकर के जा रहा हूँ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, या फिर हो सकता है अट्रैक्टिव, डिपेंड करेगा इनका नेचर कैसा है। अगर मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो कैसा फोर्स लगेगा इस पर, रिपल्सिव। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लाया तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा, लेकिन बाहर निकल गया तो वो क्या होगा, फोर्स हमारा नहीं लगा। तो जितना मैं ज़्यादा पास को जा रहा था उतना ही स्ट्रोंग रिपल्सिव फोर्स लगता जा रहा था। तो इस बात से ये पता चलता है कि ये जो है एक एरिया के अंदर अपन ये जो है दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो इस एरिया को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो ये जो है ये वाला एरिया इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये कह सकते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द चार्ज। ये चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। दूसरा, अगर आप चार्ज लाओगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब जो अदर चार्ज क्या हो सकता है, वो आपका टेस्ट चार्ज। अब इसके बाद देखो अगली चीज़ की जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अब मान लो जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर के आया इस टेस्ट चार्ज को, तो सपोज करो यहाँ पर मेरे पास इस पर फोर्स लगा आपका 4 न्यूटन, लेकिन जैसे ही मैं और ज़्यादा पास में ले आया तो फोर्स लगा आपका 5 न्यूटन, और ज़्यादा पास में इसको मतलब इसके पास ले आया तो फोर्स लगा आपका 8 न्यूटन। तो जितना ज़्यादा पास को ला रहा हूँ उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा पास में आएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी स्ट्रोंग है, ये कैसे पता चलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोल सकते हो, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है माइकल फैराडे ने दिया था, और इसका एक बेसिक फॉर्मूला है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिमिट, जो क्यू नोट की जो वैल्यू है वो क्या है, लगभग 0 के बराबर है, फोर्स अपॉन ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या अपना टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट जो है, जिसकी जो लिमिट है वो कितनी है, वो लगभग उसकी 0 के बराबर है, पूरा 0 नहीं है क्यू नोट की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप टेस्ट चार्ज लाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो अगर मेरे पास ये वाला चार्ज मान लो आपका, तो ये तो पॉइंट चार्ज है, और अगर टेस्ट चार्ज भी लगभग उसी के साइज में बराबर हुआ, इस पे भी चार्ज इतना ही हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कैंसिल कर देगा। जस्ट सपोज करो अगर यहाँ पर है हमारा 4 कूलाम और यहाँ पर ले आया मैं 3 कूलाम का, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएगी तो लगभग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके बराबर होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कैंसिल कर देगा, और हम सही से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल नहीं पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या, इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पर ऐसा चार्ज लूँ जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर हो, बिल्कुल बहुत कम हो, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, मुझे बहुत छोटा चार्ज लेना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसको और बेसिक फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं आपका, फोर्स अपॉन में चार्ज। चार्ज कैसा है आपका, टेस्ट चार्ज। अगर मैं इसकी देखो क्वांटिटी की बात करूं, ये कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है।
और अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है हमारी कूलाम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम इसका, देखो आपको न्यूटन का डायमेंशन तो पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1L1T^-2। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, कूलाम। कूलाम का डायमेंशन क्या होगा, कूलाम क्या चार्ज की यूनिट है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। अगर मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आई के साथ टी टाइम क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। आई की डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊंगा तो एम्पियर, टी का क्या हो जाएगा टाइम। तो क्यू का मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, ए टी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा आपका, ए टी। अब t की पावर 1, a की पावर 1 ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा m1L1T^-2। माइनस टू यहाँ पहले से, और माइनस वन ऊपर जाएगा तो -3, और a की पावर -1। तो ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आपको याद ये रखना है, देखो काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे पास ये ए टी कहाँ से आ गया, तो हमने बेसिक फॉर्मूले से निकाला, आई बराबर क्यू अपॉन टी से। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो चुका है इसका। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एरिया जहां तक, जहां पर वो अपने फोर्स को किसी दूसरे चार्ज को महसूस करा सके, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन में चार्ज। अब हम आगे बात करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन ये है, यहाँ पर ओरिजिन पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सपोज करो कहीं ना कहीं तो निकालनी होगी, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालनी है पॉइंट पी पर। उसका नाम क्या रख दिया मैंने, पॉइंट पी। इसकी ओरिजिन से यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो इसके हमने डिस्टेंस मान लिए आर। अब जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे एक दूसरा चार्ज जरूर चाहिए चेक करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। तो मैं एक टेस्ट चार्ज लाया, मैंने पी पर रख दिया, और इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं मैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। अब जो जो देखो यहां पर ये हमने लिखा है, ये सारी चीजें हमने अज्यूम कर ली यहां पर। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू जो आपका कहाँ रखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट ओरिजन ओ। अब हमें क्या करना है, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जिसकी डिस्टेंस कितनी है आर, और एक टेस्ट चार्ज हमने कहाँ रख दिया, क्यू नोट पी पर। तो ये चीज़ें हमने लिख ली हैं, क्योंकि आर या पी जो भी आप पॉइंट मान रहे हो, ये आपको कंसिडर करके पहले बताना पड़ेगा, कंसिडर करनी पड़ेंगी चीज़ें क्या क्या हैं। अब हम आगे जो है, हम एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कूलाम्स लॉ। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर, तो हम किसके हेल्प से निकालेंगे, कूलाम्स लॉ की हेल्प से। तो कूलाम्स लॉ हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ कूलाम्स लॉ क्या पढ़ा है हमने, कूलाम्स लॉ ये कहता है 1/4πε0 q1 × q2। तो दो जो चार्ज है हमारे पास क्या है, q × q0 / जो उनके डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इनके बीच में जो फोर्स लगने वाली है कूलाम्स के हिसाब से। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, जो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगी आपकी, उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, जो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा इसकी डायरेक्शन। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे फोर्स तो निकालना नहीं है, मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, और फोर्स कितना निकल करके आया हमारा, ये फोर्स आया है 1/4πε0 q × q0 / r², और ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर। और डिवाइड किससे कर देंगे इसको, टेस्ट चार्ज q0 से q0 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो है 1/4πε0
क्यू अपोन में आर स्क्वायर इंटू में ये क्या है हमारा आर यूनिट वेक्टर, जो क्या बताएगा वो हमारी डायरेक्शन बताएगा। अब देखो इस फॉर्मूले से ये चीज़ क्लियर हो गई है, टेस्ट चार्ज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब टेस्ट चार्ज क्योंकि यहाँ पर बचा ही नहीं, वो पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है। यानी कि अगर आप जिस चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो फॉर्मूले में केवल वो ही चार्ज आएगा, और ये क्या है उसकी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात करूँ इसके, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 क्यू अपोन में आर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम इसी की फॉर्म को इसको यूज़ करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से मुझे पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्सली रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। यानी कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, ये मेरे पास चार्ज है, जितना मैं इससे दूर जाऊंगा, जितना ज़्यादा आर बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यानी कि जितना आप चार्ज के पास में रहोगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जितना आप दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो एक बार और देख लेते हैं क्या करा है हमने। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारे पास किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एरिया जहां पर वो अपने फोर्स को दूसरे चार्ज को महसूस करा सके। अब उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में चार्ज। अब उसके बाद हमने एक पॉइंट चार्ज लिया जिस उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कि क्या होगी। तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ओरिजिन पे उसको रख दिया, हमें फील्ड निकालनी थी पॉइंट पी पर, वहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज ला करके रखा है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर। तो हमने कूलाम्स लॉ लगाया, कूलाम्स लॉ हमारे पास ये लगा 1/4πε0 क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर हमारा, ये यूनिट वैक्टर। अब उसके बाद मेरे पास फोर्स तो आ चुका है, मैंने क्या मुझे क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने फोर्स को डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से। फोर्स मेरे पास ये था, बस इस फोर्स को डिवाइड कर दिया किससे, टेस्ट चार्ज से, क्यू नोट से, क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये रिलेशन आ गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ चुकी है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं यूनिट इसकी वैक्टर को यहाँ से मैंने हटा दिया, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं केवल यहाँ पर। और मैग्नीट्यूड जब किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन की मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पर हमने हटा दिया है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। ज़्यादातर हम क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसका मैग्नीट्यूड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। जी यानी कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी चार्ज से, जितना आप ज़्यादा दूर जाओगे उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी, वीक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।